जोहार दोस्तों, तो हम झारखंड सीरीज के एक नए एपिसोड की तलाश में गुमला जिला से 30 किलोमीटर दूर सिसई ब्लॉक जा रहे हैं। वहां हम क्यों जा रहे हैं, हम आपको वहां पहुंचकर बताते हैं। ये वीडियो अगर आप झारखंड से हो तो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, और अगर आप बाहर से हो तो आपको यही कहूँगा, देखो हमारा झारखंड। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से 0.5 किलोमीटर ये रास्ता जाने के, और इसके राइट में जो रास्ता जाता है वो नागवंशी के द्वारा बनाया गया शिव जी का मंदिर है, जिसका नाम बाबा कपिलनाथ धाम है। इसे हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम आपको झारखंड की करीब 100 साल तक राजधानी रही दोईसा से रूबरू कराते हैं। वैसे आपको बता दूं, इसे हम्पी ऑफ झारखंड, नौरतनगढ़ का किला और नगर के नाम से भी बोला जाता है। इन्हें इस नाम से बोलने का कारण आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जैसे इस फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में हम एंटर करेंगे, कुछ कदम चलने के बाद आपको रोड के दोनों तरफ एक एक टेंपल मिलेगा, जो कि शायद एक सन टेंपल है। वैसे इसमें कुछ और सब्सिडरी बिल्डिंग्स हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं, इनके बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाया, बट देखने से लगता है कि इनमें से दो बिल्डिंग पूजा या सोशल गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर कुछ दूर और जाने के बाद आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा, जिसमें इसके हिस्ट्री के बारे में आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ये बोर्ड पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। जस्ट उसके पीछे आपको एक पॉन्ड मिलेगा जो फिलहाल सूखा हुआ है। पॉन्ड के जस्ट लेफ्ट की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि नौरतनगढ़ का वो किला जिसे महाराजा दुर्जन साल ने बनवाया था। जो आप फोर्ट देख रहे हो, अब उसके हिस्ट्री के बारे में हम बातें करते हैं। तो उसके लिए हमें आज से 400 साल पीछे जाना होगा, जो कि है सन 1620, जब हिंदुस्तान पर मुगल सुल्तान जहांगीर और झारखंड के छोटा नागपुर खास में राजा दुर्जन साल राज करते थे। सुल्तान जहांगीर हीरो के शौकीन थे, और उनके ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी से पता चलता है कि झारखंड के संख नदी में हीरे पाए जाते थे, और इसी कारण जहांगीर छोटा नागपुर को जीतना चाहते थे, और इसी लालच में जहांगीर ने जफर खां को छोटा नागपुर का सूबेदार बना दिया और बोले जाकर कोकरा उस वक्त झारखंड का नाम पर अधिकार प्राप्त कर ले। लेकिन जफर खां की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जहांगीर ने इस काम के लिए इब्राहिम खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने को भेजा, और जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, उस वक्त नागवंशियों के राजा दुर्जन साल थे, जो हीरो के बहुत ही जानकार थे। इब्राहिम खान और दुर्जन साल के बीच एक बैटल होती है, और उस बैटल में दुर्जन साल हार जाते हैं। ऐसा रिजल्ट एक ट्रीटी साइन होती है, जिसमें दुर्जन साल को मुगल की जी हजूरी करने को कहा जाता है, बट दुर्जन साल ये बात नहीं मानते हैं और उनको ग्वालियर फोर्ट में बंदी बना दिया जाता है। कैद से मुक्त होने के बाद दुर्जन साल दोईसा आज का सिसई में अपना एक फोर्ट बनवाते हैं, और अपनी राजधानी कोकरा को दोईसा ट्रांसफर करते हैं। जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं वो वही फोर्ट है जिसे दुर्जन साल ने बनवाया था, जो कभी 5 फ्लोर के थे और हर फ्लोर में 9 कमरे थे, जिसमें आपको मुगल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। इस बिल्डिंग को जरोखा दर्शन के लिए भी उपयोग किया जाता था। जिन्हें नहीं पता जरोखा दर्शन क्या होता है, मैं उनको बता दूं। इसमें बेसिकली जो राजा होते हैं वो अपने, आज के सेंस में अगर हम बात करें तो, बालकनी में आकर पब्लिक को एड्रेस करते थे। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसे नौरतनगढ़ के नाम से क्यों बोला जाता था, क्योंकि हर फ्लोर में 9 कमरे हुआ करते थे। कंक्लूजन पर आने से पहले मैं आप लोगों को बाबा कपिलनाथ देव की दर्शन करवा देता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बताया था कि नौरतनगढ़ के फोर्ट के एंट्री के राइट में ही
एक रास्ता जाता है जो आपको मंदिर तक पहुंचा देगा। ये मंदिर आपको और शिव मंदिरों से थोड़ी अलग और खास नजर आएगी, क्योंकि जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि शिवलिंग की जो प्रतिमा है वो लगभग जमीन के सतह पर है और जल प्रचुर मात्रा पर उपलब्ध है। अब हिस्ट्री की बात हो गई तो हम प्रेजेंट में आते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सारे बिल्डिंग्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, सभी रीडेवलपमेंट के लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि हमने पहले कभी इस धरोहर को प्रिजर्व करने के बारे में सोचा भी नहीं। मेन बिल्डिंग की हालत तो ये है कि दो फ्लोर 400 सालों में जमीन के अंदर धंस चुकी है। देखिए जो हालत है बिल्डिंग का, पूरा टूट के गिर चुका है। पहले कोई ढलाई बीम छड़ वड़ का जरूरत नहीं पड़ता, लोग तो पत्थर को ही काट काट करके बीम का काम करते थे। वहां से आप देख सकते हैं एक टूट चुका है। चलिए हम लोग अंदर चले। देखिए इसका फर्स्ट फ्लोर, रुक जा भाई, सौ वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी रही दोईशा आज हमारे लव बर्ड्स की प्रेम की निशानी बनाने का स्थान बन चुका है। दीवारों पर अपने प्रेमिका का नाम ऐसे कुदेर देते हैं मानो ये बिल्डिंग उनके ताऊजी की लगती हो। अंत में यही बोलूंगा, ये हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, सो आप लोगों से आग्रह है कि इसे सुरक्षित रखें और अपने प्रेम का इजहार करने का कोई और दूसरा तरीका ढूंढ लें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।